वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है सौरभ पाठक और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हैरेट ओमन मॉडल। हैरेट ओमन मॉडल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस मॉडल इन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और अदर इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ बच्चों को जो है कि समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो है कि ये थोड़ा हल्का सा टिपिकल लगता है, क्योंकि जो है कि इसका जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट या मैथमेटिकल जो पोर्शन है वो थोड़ा हल्का सा ऐसा कन्फ्यूजिंग टाइप का लगता है। तो वो मैं यहाँ पर ऐसा जो है कि सिखाऊंगा आपके लिए कि आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद जो है कि इसके इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंप्लीट हैरेट ओमन मॉडल यहाँ पर किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये थोड़ा थियोरिटिकल पार्ट है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। हैरेट ओमन एक्सटेंडेड, इन लोगों ने क्या करा था, एक्सटेंड करा था है ना, द कीन्जियन एनालिसिस ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू लॉन्ग रन प्रॉब्लम। तो कीन्जियन ने क्या करा था, कीन्ज ने हमेशा शॉर्ट रन की बात करी थी, कीन्ज ने हमेशा किसकी बात करी थी, शॉर्ट रन की बात करी थी। कीन्स ने कहा था इन लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल थिंकिंग अबाउट शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के बारे में हमको सोचना है, लॉन्ग रन में तो भाई सभी लोग खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, ये चीज है। तो हैरेट ओमन मॉडल ने क्या करा, इन लोगों ने ये कीन्स एनालिसिस जो है कि इसको एक्सटेंड करा है ना, इनकम और एम्प्लॉयमेंट को, टू लॉन्ग रन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड देयरफॉर कंसीडर्ड बोथ इनकम एंड कैपेसिटी इफेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इन्वेस्टमेंट के देखिए दो यहाँ पर वो होते हैं, आप कह सकते हो कि रोल होता है या उसका यूज होता है या उसके इफेक्ट होते हैं, वो कौन कौन से हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के जो आपके दो रोल होते हैं, एक आपका होता है डिमांड साइड, एक आपका होता है सप्लाई साइड। डिमांड सप्लाई से आप याद रखोगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। अब देखिए डिमांड साइड में क्या होता है, डिमांड साइड में क्या होता है, डिमांड कब होती है, जब इनकम होती है लोगों के पास, यानी इसका एक होता है इनकम इफेक्ट, इसका एक होता है इनकम इफेक्ट। और दूसरा सप्लाई, सप्लाई कब होती है, जब भाई कैपेसिटी बढ़ती है, जब भाई कैपेसिटी बढ़ती है, यानी कोई फर्म्स है, कोई मशीन है, इनकी जब कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी अगर चार से अगर पांच मशीन हो जाए, ये छह हो जाए, तो यानी उस पूरे प्लांट की कैपेसिटी, मान लो पहले क्या थी, मान लो दस 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 यानी चालीस थी, अब जो है कि ये दस दस यानी और बढ़ गई, यानी अब 60 कैपेसिटी हो गई। यानी जो है कि इन्वेस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक तो सप्लाई साइड में कैपेसिटी बढ़ा जाता है, दूसरा इनकम बढ़ा जाता है। कैसे भाई, कैपेसिटी कैसे बढ़ा जाता है भाई, इन्वेस्टमेंट यानी जो है कि आपकी मान लो कोई शॉप है, उसमें मान लो कि 1000 रुपए का मान लो कि अभी आपने माल रखा है, मान लो 10000 रुपए का आपने माल बन रखा है, अभी 10000 रुपए का आप माल बेचते हो तो इससे आप प्रॉफिट करते हो। लेकिन जो है कि अगर आपने इसमें जो है कि 2000 रुपए का और इसमें आपने प्रोडक्ट यानी आपने जो माल है, जो व्यापारी लोग माल ही कहते हैं उसको नियर टू, इसलिए क्योंकि जो है कि जो भी है गुड्स वगैरह है, मान लो कि आपकी कोई शॉप है, मान लो कि फॉर एग्जांपल कन्फेक्शनरी स्टोर है, तो उसमें मान लो कि आपने 2000 रुपए का और आइटम बढ़ा दिया है ना, तो यानी जो है कि आपने 2000 रुपए और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी आपने क्या कर दिया, एक्चुअल ओवरऑल सप्लाई आपने बढ़ा दी, आपने एक्चुअली ओवरऑल सप्लाई, यानी जो है कि ये क्या कर देता है, इन्वेस्टमेंट पहली चीज तो सप्लाई बढ़ा जाता है। उसके बाद जो है कि जब आपने जो है कि ये जो है कि 12000 का कर लिया है, तो यानी जो है अब आपकी एक्चुअल में क्या होगी, इनकम भी ज्यादा होगी, क्योंकि भाई जितना छोटा कंस्ट्रक्शन स्टोर उसकी इतनी कम इनकम, जितना बड़ा स्टोर उतनी उसकी ज्यादा इनकम। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो रिटर्न में इनकम आएगी वो भी ज्यादा आएगी, यानी जो है कि आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉय लगे, जो भी यहाँ पर वेजेस आप दे रहे हो, वो वेजेस भी आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, क्योंकि अगर जितना बड़ा कन्फेक्शन स्टोर, मान लो कि बहुत बड़ा कन्फेक्शन स्टोर है, आप जाते हो कि मॉल वगैरह है, वहाँ पर देखिए कितने एम्प्लॉयज होते हैं, यानी वेजेस बहुत ज्यादा दी जा रही है, यानी पब्लिक की इनकम बढ़ रही है, तो इनकम बढ़ रही है तो यानी उस इनकम से ही तो हम लोग डिमांड करते हैं भाई, हमारे पास कोई पैसा आता तो हम उस इनकम से ही तो हम लोग डिमांड करते हैं। यानी जो है कि यही इन्वेस्टमेंट जो है, यानी इस इन्वेस्टमेंट ने अल्टीमेटली क्या करा, सप्लाई भी बढ़ा दी और जो है यहाँ पर क्या करा, इनकम भी बढ़ा दी, अल्टीमेटली डिमांड बढ़ा दी। तो इसके दो इफेक्ट होते हैं, एक तो आपका इनकम इफेक्ट होता है, दूसरा होता है कैपेसिटी इफेक्ट। तो जो है कि यहाँ पर जो क्लासिकल्स इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिकल्स, उन्होंने हमेशा, आपको मालूम होगा कि सप्लाई साइड की बात करी उन्होंने, उन्होंने हमेशा सप्लाई साइड की बात की, या अल्टीमेटली उन्होंने कैपेसिटी को, इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी फंक्शन, इसको उन्होंने माना या इसको उन्होंने यूज करा। और कीन्स ने क्या करा, हमेशा जो है कि डिमांड की बात करी। कीन्स ने क्या करा, हमेशा ग्रेट डिप्रेशन के एग्जाम्पल से ले लीजिए 1929 के, कीन्स ने हमेशा क्या कहा कि भाई डिमांड पब्लिक डिमांड करो, तभी जो है कि इकॉनमी इस डिप्रेशन से बाहर निकलेगी, उसके लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे, है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे तो लोगों की जेब में पैसा जाएगा, तब लोग खर्च करेंगे। मनी सप्लाई आप बढ़ा दोगे, जो कि क्लासिकल लगे कि सिर्फ मनी सप्लाई बढ़ा दो तब लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, लोग पैसा होल्ड कर लेंगे ड्यू टू फियर इन फ्यूचर, कि जो है कि अभी इतनी बुरी कंडीशन है, भविष्य में और भी बुरी कंडीशन होगी, तो जो पैसा आया ये अपनी जेब में रखे रहो, आगे चले काम आएगा, तो लोग खर्च नहीं करेंगे। यानी
स्थिति जो है डिप्रेशन की वो झुकी तो बनी रहेगी। ये थोड़ा माइक्रो का पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। हालांकि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है कि और जो है कि आपका यहाँ पर सप्लाई, माइक्रो तो पढ़ा ही रहा हूँ, ये आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट है ना। तो हालांकि ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी आप माइक्रो से जोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो लेवल की बात होती है, यहाँ पर एज अ होल की बात होती है ना, ग्रोथ की बात होती है एज अ होल नेशन की। तो ये जो है कि आपकी दो इफेक्ट होते हैं। अब जो हैरोडोमर मॉडल ने ये दोनों लिए, हैरोडोमर मॉडल ने सप्लाई और डिमांड दोनों, यानी क्लासिकल ने सप्लाई या कैपेसिटी इफेक्ट इसका इन्वेस्टमेंट के लिया, इन्होंने कीन्स ने क्या करा उसका डिमांड या इनकम फीचर लिया। हैरोडोमर मॉडल ने दोनों लिए यानी सप्लाई और कैपेसिटी दोनों। तो ये बात आपको याद रखनी है, हैरोडोमर मॉडल सीक्स टू डिटरमाइन दैट यूनिक रेट। हैरोडोमर मॉडल ने क्या मतलब क्या कोशिश करी डिटरमाइन करने की, यूनिक रेट एट विच इन्वेस्टमेंट एंड इनकम मस्ट ग्रो। एक ऐसा रेट जिस पे इन्वेस्टमेंट और इनकम जो है मस्ट ग्रो हो, मतलब जो ग्रो करे, सो दैट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज मेंटेन्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज इक्विलिब्रियम ग्रोथ इज अचीव्ड। इक्विलिब्रियम ग्रोथ इज अचीव्ड। आपके लिए मैं एक बात और बता दूं, देखिए हर एक इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्रोथ के मॉडल बहुत सारे हैं, आप उसमें कंफ्यूज हो गए। ग्रोथ के बहुत सारे मॉडल्स हैं, हर एक मॉडल में केवल और केवल यही बताने की कोशिश करेगी कि भाई साहब स्टेडी ग्रोथ जो है, स्टेडी ग्रोथ जो है, स्टेडी ग्रोथ का मतलब है कि एक ऐसी ग्रोथ जिसमें आउटपुट इन्वेस्टमेंट सारा कुछ बराबर हो। ऐसा नहीं हो कि भाई आपका जो है कि आउटपुट ज्यादा है इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। आप खुद सोच के देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल आपकी शॉप है, मान लो ये 10,000 रुपए आपने यहाँ पर आपकी इसमें जो है कैपिटल लगा हुआ है, आपने जो है कि इसमें 5,000 का कैपिटल बढ़ा दिया है। अब यानी आपने कैपिटल कितना बढ़ाया है 5,000 का, तो आप अज्यूम करोगे कि भाई अगर मैंने 5,000 का कैपिटल बढ़ाया है तो मेरा जो आउटपुट है वो भी तो कम से कम 5,000 से बढ़े भाई, इतना तो आप अज्यूम करोगे। अगर ये कम बढ़े तो क्या होगा बताइए, ग्रोथ होगी? तो ग्रोथ होगी नहीं होगी ना। तो यही तो यानी जो है कम से कम, यानी स्टेडी ग्रोथ भी अगर होनी है तो कम से कम ये बराबर तो हो, यानी चेंज इन कैपिटल जो इनिशियल कैपिटल था उससे जो चेंज इन इनकम है वो बराबर होनी चाहिए। यही बात हर किसी इकोनॉमिस्ट ने बताने की कोशिश करी, हर किसी इकोनॉमिस्ट में, हर केस में आप यही पढ़ोगे, हर केस में यही, जॉन रॉबिन्सन में, मतलब जो भी है गोल्डन एज एक्युमुलेशन सारा कुछ आप यही पढ़ोगे हर जगह। तो ये चीज, ये आपको बात ध्यान रखनी, ध्यान में रखते हुए सारे मॉडल आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि बोथ ऑफ देम असाइंड टू कैपिटल एक्युमुलेशन। अब देखिए कैपिटल है ना, ये कैपिटल, कैपिटल एक्युमुलेशन था ये डेल के है ना, जो है कि कैपिटल एक्युमुलेशन अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, बट द एम्फेसिस उन्होंने जोड़ दिया द डबल रोल ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यानी इन्वेस्टमेंट के जो डबल जो दो रोल है उन पर उन्होंने क्या करा एम्फेसिस यानी जोड़ दिया, दोनों के दोनों रोल उठाए, कौन कौन सा, नेमली जनरेटिंग इनकम यानी इंक्रीजिंग डिमांड एंड एडिंग टू द प्रोडक्टिव कैपेसिटी या इंक्रीजिंग सप्लाई। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कन्फाइंड देयर अटेंशन टू द कैपेसिटी साइड ओनली, जो मैंने बताया अभी, और कीन्स ने केवल अपना जो है कि अटेंशन दिया टू द डिमांड साइड ओनली, वेयर हैरोडोमर मॉडल कंसीडर्ड बोथ साइड। तो ये बात जो है कि आपको जाननी जरूरी, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए डोमर्स ग्रोथ मॉडल, अब देखिए डोमर का ग्रोथ मॉडल आपको पढ़ना है। डोमर के ग्रोथ मॉडल में आप यहाँ पर एक बार मैं ब्लैंक पेज पे करता हूँ, डोमर के जो है कि इसमें देखिए हैरोड मॉडल और डोमर मॉडल ये जो है अल्टीमेटली जो बाद में देते हैं वो एक ही चीज है। हैरर और डोमर के जो जो मॉडल है उसमें अल्टीमेटली जो चीज है वो एक ही है, क्या है? यहां पर भी जो हैरोड ने क्या करा, यहां पर इन्होंने, हैरोड ने एक्चुअल में क्या करा है, यहां पर इन्होंने कैपिटल और आउटपुट का रेशियो लिया है ना, और डोमर मॉडल में इन्होंने क्या करा है, आउटपुट और कैपिटल का रेशियो लिया है, बात एक ही है। इन्होंने ये ग्रोथ जो दिया है वो इन्होंने दिया है इस तरह से, एस अपॉन न्यू, ठीक है ना, और इन्होंने जो भी ग्रोथ दिया है वो आपका दिया है जी बराबर इस तरह से इन्होंने ग्रोथ दिया, जहां पर ये आपका हो गया है आउटपुट और कैपिटल रेशियो, और यहाँ पर ये आपका हो गया है कैपिटल और आउटपुट रेशियो। अब बताइए इनमें दोनों को अंतर है, आप बताइए कोई भी डिफरेंस है आपका यहाँ पर, ये अल्टीमेटली दिया है, हम पीछे सब चीजें पकड़ के आगे जब चलेंगे तब हमको ज्यादा समझ में आता है।
तो मैं पहले फाइनल जो है इसमें जो निकल गया है वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो यहाँ पर जो है कि ये जो है कि आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो, अगर आप जो है कैपिटल आउटपुट रेशियो को ये जो है यहाँ पर अगर आप इसी तरह लिख दें, मान लो ये G इक्वल टू एस अपॉन कैपिटल और आउटपुट, तो इसे आप अल्टीमेटली कैसे लिख सकते हो भाई, इसे अल्टीमेटली आप कैसे, ये ऊपर चला जाएगा यानी एस यानी आउटपुट और कैपिटल, ये क्या हो गया भाई, एस यानी आउटपुट कैपिटल रेशियो और आउटपुट कैपिटल रेशियो क्या है आपका बताइए, यही वाला प्रॉब्लम, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस डोमर ने क्या करा है, डोमर ने जो है कि यहाँ पर आउटपुट कैपिटल रेशियो लिया है और हेरेड ने यहाँ पर क्या लिया है, कौन सा वाला आपका आउटपुट और क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आउटपुट रेशियो, इतना यहाँ पर डिफरेंस है। अब जो है कि ये प्रोपाउंड कैसे हुआ है, ये आपका प्रोपाउंड कैसे हुआ है, प्रोपाउंड ऐसे हुआ कि मैंने कहा इन्होंने जो है कि जो दोनों जो है कि सप्लाई साइड और जो है कि यहाँ पर डिमांड साइड ली है, तो अगर यहाँ पर इन अगर आप चेंज इन इनकम अगर आप मानते हो तो बताइए चेंज इन इनकम को आप कैसे लिखते हो, चेंज इन कैपिटल और यानी जो है कि अभी मैं इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के तौर समझा दूंगा, और ये जो कैपिटल जो है इसके बढ़ने की दर क्या है, यानी जो आउटपुट है इसकी बढ़ने की दर क्या है, एक तो यहाँ पर ये बोर्ड पता नहीं बहुत ही यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेल के, और जो है कि इसकी जो बढ़ने की दर क्या है, इसे आप ऐसे लिखोगे। अब सर ये क्या मतलब हो, सर आपने ये क्या लिख दिया, ये ऐसे ऐसे क्यों लिख दिया, ये मेरे दिमाग में कैसे है कि हम ये लिखेंगे, ये हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो है कि ये एक वैलिड चीज है और उससे जो है कि हम जो है कि हेरेड डोमर मॉडल जो ये हम यहाँ पर हम डोमर इक्वेशन ट्राई करेंगे, ये बात ये वाली बात है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो है कि ये एक्चुअल में वैलिड कैसे है, वैलिड ऐसे मान लीजिएगा कि आपने 100 रुपए का करा है इन्वेस्टमेंट, यानी डेल के इन्वेस्टमेंट को आप डेल के लिखते हो, क्यों लिखते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है कि आपका 1000 रुपए मान लो कि आपकी शॉप में पहले से लगा था और आपने 100 रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया और ज्यादा, है ना। तो इसीलिए जो है कि डेल के इसलिए बोला जाता है कि पुराना जो है कि मान लो कि जो नया आपने न्यू कैपिटल कितना है और पुराना ओल्ड कितना है, यानी जो है कि नया हो गया 1100 रुपए भाई 1000+100 और पुराना था 1000, यानी जो कि यहाँ पर कितना हो गया आपका 100, ठीक है, इसीलिए जो कि आपका हो गया 100 यहाँ पे, यानी जो है कि इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। तो अब जो है कि यहाँ पर ये चीज आप नोट रखिए, याद रखिए, तो क्योंकि मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, अब जो है यहाँ पर ये है क्या, यानी जो है कि अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करा है तो आपकी एक्चुअल में इनकम कितनी होगी, इनकम यानी जो आपकी इनकम एक्चुअल में बढ़ेगी कितनी, वो डिटरमाइन कौन करेगा, वो डिटरमाइन ये करेगा कि आपका जो है इनकम का रेट क्या है, कि जो है कि उस समय जो है कि वो कंडीशंस में आपकी जो है कि कैपिटल लगाने से कितनी इनकम बढ़ती है, वो एक रेशियो होगा ना कि इंक्रीज इन इनकम पर यूनिट चेंज इन कैपिटल, इंक्रीज इन इनकम पर यूनिट चेंज इन कैपिटल, उसका कोई ना कोई रेशियो होगा। जैसे कि मान लीजिएगा वो रेशियो है आपका कि जो है कि आपका 30 बाय 100 है ये, है ना, यानी जो है पर 100 कैपिटल से पर 100 इंक्रीमेंट इन कैपिटल योर इनकम इज इंक्रीजिंग बाय 30 रुपीज, ओके। तो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल में लिया है, आप ये ना कहने के सब जो है कि यहाँ पर तो जो है कि कैपिटल 100 से बढ़ा है इनकम तो 30 से बढ़ा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है, अभी तो हमें उसकी बात नहीं कर, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ जी, मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं ये भी लिख दूंगा, मैं यहाँ पर ये भी लिख दूंगा 200/100, तो अगर मान लो 200/100 है तो यानी जो है कि यहाँ पर जो है कि इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, 200/100 से, क्योंकि रेट है ये, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करा गया है ये, लेकिन रेट जो है वो ये है, तो हमने पर रेट से उसकी मल्टीप्लाई कर दी है ना। तो यानी जो चेंज इन इनकम आया है वो आपका चेंज इन इनकम आया है कितना, 100 कैंसिल यानी 200, यानी जो है 100 रुपए के कैपिटल से 200 रुपए की वृद्धि हो गई है, 100 रुपए का, अगर यहाँ क्या होता 5000 होता, 5000 कैपिटल होता डेल के, तो यानी जो है कि यहाँ पर हम इसी चीज को यानी हमने यहाँ पर इसके यहाँ पर हम लिख दिया 5000 × 200/100, है ना, तो ये आपका कितना हो जाता है यहाँ पर 10000, यानी डेल वाई जो है कि वाई कितना इंक्रीमेंट हुआ है 10000 वाई इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये चीज जो है कि तो इसीलिए जो है कि ये वैलिड है यहाँ पर ये लिखा।
अब चूंकि ये वैलिड है तो फिर अब हम जो है इस पे काम करेंगे, तब हम जो है इस पे काम करेंगे। अब हम इस पे काम करेंगे भाई तो कैसे करेंगे, यानी तब हम कैसे करेंगे, आप ये बताइएगा। जो मैंने अभी बताया था कि डेल के को आप आई लिख सकते हो क्योंकि इन्वेस्टमेंट है आई, और यहाँ पर क्या है ये डेल वाई अपॉन डेल के, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, आउटपुट और कैपिटल, आउटपुट और कैपिटल, आउटपुट और कैपिटल, यहां पर ये रेशियो है। या आप एक काम कर सकते हो, यहां पर आप एक काम कर सकते हो कि यहां पर जो है कि इन्वेस्टमेंट जो है एक्चुअल में, यहां पर आपको एज इट इज लिख देना है। यहां पर आप बताइएगा कि जो इन्वेस्टमेंट है एक्चुअल में, जो इन्वेस्टमेंट है एक्चुअल में वो क्या होता है, एक्चुअल में सेविंग होता है। और ये सेविंग क्या होता है, सेविंग यानी स्मॉल एस वाई होती है भाई। अगर मान लीजिए आपकी वाई है 1000 और स्मॉल एस या ये क्या है प्रोपेंसिटी टू सेव, कितने कितना आप सेव करते हो, यानी 1000 रुपये कमाते हो तो उसमें कितना सेव कर लेते हो, दैट इज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो प्रोपेंसिटी टू सेव मान लीजिए आपकी क्या है 0.3 है, तो यानी जो है यही तो है एस वाई, यानी 0.3 से जब 1000 से मल्टीप्लाई करो यानी 300 रुपये आप सेव कर रहे हो, यानी 300 रुपये क्या, ये एस है और ये क्या है, ये इसके बराबर, इसके बराबर ये क्या है, ये स्मॉल एस और ये है वाई, यानी ये एस और वाई के बराबर, तो उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। यानी आप, यानी जो है कि आप के को पुट कर सकते हो आई से, फिर आई को आप पुट कर सकते हो एस से, एस को आप पुट कर सकते हो वाई से, ये चीज आप कर सकते हैं। तो यही चीज है यहाँ पर। तो यानी जो है कि अगर मैंने जो है कि ये चीज जो है कि ऐसे दोबारा लिखी, और जो है कि यहाँ पर पहले इतना अदरवाइज आप कंफ्यूज हो गए, दो दो स्टेप एक साथ नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर जो है कि आई को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एस वाई और डेल वाई अपॉन डेल के। अब देखिए यहां पर डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय आपका वाई, वी गेट, ठीक है, क्या हमको मिला, यानी जो है डेल वाई अपॉन वाई इक्वल टू एस वाई अपॉन वाई, और ये हमारा क्या हो गया आउटपुट कैपिटल रेशियो, जो कि हम इससे लिख देंगे, है ना, y से y कैंसिल, और ये क्या है भाई चेंज इन y, यानी जो है कि इनकम में कितनी ग्रोथ हुई है, पुरानी इनकम से नई इनकम में, पुरानी इनकम के मुकाबले कितनी इनकम में ग्रोथ हुई है, तो ये क्या हो गया आपको, यही हो गया ग्रोथ रेट इक्वल टू हो गया, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे डोमर मॉडल में, आपका आ गया यहाँ पर, ये इस तरह से आपका ये आ गया। और ये हमने बात करी सप्लाई साइड में, साइड की, और हम यही बात कर लेंगे किधर, डिमांड साइड की। डिमांड साइड में कुछ नहीं, डोमर ने जो किन्स का मल्टीप्लायर फॉर्मूला था उसी को पुट कर दिया है, और उन्होंने कुछ नहीं पुट करा है। जो डिमांड साइड है उसमें जो किन्स का मल्टीप्लायर फॉर्मूला है वही नोट पुट गया। और किन्स का मल्टीप्लायर फॉर्मूला क्या है, आप सभी लोग जानते हो कि चेंज इन वाई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा वहां पर, के चेंज इन इन्वेस्टमेंट, के क्या है यहाँ पर मल्टीप्लायर, ठीक है ना। तो यानी चेंज इन वाई इक्वल टू के क्या होता है मल्टीप्लायर, यानी के होता है 1/1 - MPC, इस तरह से होता ना, के बराबर 1/1 - MPC, यानी 1/1 - MPC क्या होता है मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम, निकल जाएगा बनने से तो क्या बचेगा मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू सेव, ये आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर यानी ये क्या हो गया, यहाँ पर इस तरह से हो गया। और जो है कि यहाँ पर वाई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर y इक्वल टू जो है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो आपका है, यहाँ पर अगर आप फिर से उसको डेल जो आई है इन्वेस्टमेंट को आप लिख सकते हो, कौन सा आप एस वाई लिख सकते हो यहाँ पर एक्चुअल में, फिर से आपने अगर क्या लिख दिया यहाँ पर फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट जो है कि आप जानते हो ये मैंने जो लिख रखा है यहाँ पर एस वाई यहाँ पर होता है, तो आपने जो है कि एस वाई अगर आपने लिख दिया और प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम नीचे, तो यहाँ पर देखो ये बराबर आ रहा है इस तरह से। तो कुल मिला के जो है कि यहाँ पर जो प्रोपाउंड करा गया था, जो आपने डोमर ने अपना इक्वेशन प्रोपाउंड करा, वो यहाँ तक प्रोपाउंड कर दिया। यही जो है कि आप जो है कि मैंने यहाँ पर इस तरह से दिखा भी रखा है डोमर का जो इक्वेशन है फंडामेंटल ग्रोथ इक्वेशन, ये इन्होंने उठाया इसमें उन्होंने इस तरह से करके, और ये इन्होंने यहाँ पर इस तरह से निकाल दिया पूरा, है ना, ये जो है कि उन्होंने आपका निकाल दिया यहाँ पर। तो इतनी सी बात थी यहाँ पर, है ना। डिमांड साइड में देखो इन्होंने जो है ये आपका जो कि मल्टीप्लायर सीधा उठा लिया यहाँ पर, है ना, जहाँ पर जो कि 1/1 इज द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, है ना। तो ये जो है कि उसके बाद इन्होंने क्या करा एक्चुअल में,
उसके बाद एक्चुअल में क्या करा है इन्होंने, इन्होंने यहाँ पर क्या करा है कि अल्टीमेटली जो है जो करना है वो इन्होंने यहाँ पर जो है कि जस्सू जो है कि इस तरह से मैंने जस्सू के नाम से याद कर रखा है, या आप लोग भी जस्सू के नाम से याद कर लीजिएगा, है ना, कि इन्होंने तो कोई भूलना है प्रवृत्ति है ह्यूमन बींग की, तो आप भूले ना या तुरंत आपको याद आ जाए, तो उसके लिए जो है कि यहाँ पर जस्सू के नाम से चीजें याद कर सकते हो ना, ये चीज है। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पर प्रॉब्लम करती है, वही चीज है, वो सिमिलरली वही चीज है यहाँ पर जो है कि के को जो है कि वाई से डिवाइड कर दिया, वही चीज है वहां पर इस तरह से पूरा आ गया है, ठीक है ना। तो ये जो है कि आप याद कर सकते हो, आपका हो गया डोमन मॉडल। और जो है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कब आता है, इक्विलिब्रियम जब आता है जब डिमांड और जब जो है आपका डिमांड जो है कि आपका सप्लाई से मैच कर देगा। सप्लाई से हमने क्या निकाला है, जी बराबर आपका जो है कि यहाँ पर जी बराबर ये आपका क्वेश्चन वन हो गया, ये आपका मैंने निकाला था आपको प्रोपाउंड का सप्लाई साइड से। और डिमांड साइड से मैंने क्या करा, सिंपली उन्होंने क्या करा भाई, चेंज जो इनकम है वो इन्होंने कह दिया कि भाई यहाँ पर डेल आई अपॉन एस, तो ये दो यानी जो है कि अब चूंकि डिमांड इक्वल टू सप्लाई, क्योंकि ये सप्लाई है ये डिमांड है, तो यहाँ पर ये इक्वल टू ये पुट कर दिया गया है। देखिए आप ये इक्वल टू आपका ये पुट कर दिया गया है यहाँ पर इसी तरह से सिंपली सिंपली जो है कि आपका ये इस तरह से पुट कर दिया गया है ना। जब यहाँ पर ये पुट कर दिया गया है तो उसके बाद जो है कि यहाँ पर जो है कि इस तरह से जो है कि नॉर्मली जो है कि उस हालांकि उसका निकालने कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो है कि इक्विलिब्रियम दिखा करके ये बता दिया गया कि भाई इक्विलिब्रियम स्टेज में जो इनकम है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होनी चाहिए। यानी जो है ना देखिए मैंने कहा ना हर एक उसमें जो है कि आपका जो है कि डेल वाई अपान वाई बराबर डेल आई अपान आई के बराबर दिखाने की कोशिश करिए, जो कि किसके बराबर है इस तरीके है ना इस, तो इसके बराबर तो ये जो कि आपकी एक ग्रोथ है, तो यही जो है कि दिखाने की कोशिश करेगी हर उसमें हर केस में यही दिखाने की कोशिश करी गई है, हर केस में यही चीज दिखाने की कोशिश करी गई है ये चीज है। यानी जो है कि यहाँ से आप क्या निकाल पाओगे, यहाँ पे यहाँ से आप निकाल पाओगे आई अपॉन आई बराबर आपका जो है कि यहाँ पर इस तरह से अगर आप जो है कि इसको अगर आप निकालना चाहोगे डेल आई अपॉन आई, तो आपका जो है कि इस तरह से हो जाएगा ये एस इस तरह से आपका निकल आएगा। अच्छा यहाँ पर आप एक यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पर सर जो है कि ये जो है कि ये तो मैं समझ गया क्योंकि ये है डिमांड साइड में यही आया था है ना, लेकिन जो है कि ये आई इस तरह से ये कैसे आ गया यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर जो है आपका आप ये कह सकते हो कि जो यहाँ पर ये चीज जो है ये आपकी जो है कि यहाँ से जो एस है ना उसको जो है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग होता है तो उससे यहाँ पर पुट करा गया है। लेकिन जो है कि उससे भी पहले जो है कि आप ये समझिएगा कि यहाँ पर जो है कि जो इनकम देखिए यहाँ पर ये चीज है इस तरह से यहाँ पर क्या एक्चुअल में करा गया गया है यहाँ पर जो है कि जो डेल वाई है इज इक्वल टू के, ये तो मैंने आपको बता रखा है ये वही चीज लिखी है इस तरह से जो मैंने आपको बता रखा था के डेल वाई अपॉन डेल के ये चीज लिख रखी है ठीक है ना। जहाँ पर वाई लिख दीजिए तो यहाँ पर के को जो है कि आई से इन्होंने पुट कर दिया है, केवल के को इन्होंने आई से पुट कर दिया है और आई को इन्होंने फर्दर जो है कि एस और फर्दर एस वाई से इन्होंने पुट नहीं करा, इन्होंने जीव का त्यू ऐसा ही इसको पुट रख दिया, जीव का त्यू इन्होंने इसको ऐसे ही पुट रख दिया, ये चीज है यहाँ पर और कोई डिफरेंस नहीं, इसीलिए जो है कि और इन्होंने इसको वन ले लिया है। यानी जो आप बात समझ रहे हो मैंने क्या कहा था कि के डेल के बराबर है आई के और आई बराबर है सेविंग के और सेविंग किसको हम ऐसे लिखेंगे, ये चीज मैंने आपको बता दी थी। लेकिन यहाँ पर ये प्रोपाउंड ये जो है कि आई के आई को जो है कि तोड़ा नहीं गया फर्दर, इन्होंने ऐसा कहा ऐसे ही है लिखा रहते ये आपका वन हो गया है यानी डेल वाई इक्वल टू आई इस तरह से। और उसके बाद जो है यहाँ पर और उसके बाद जो है इस तरह से ये जो है कि यानी इक्वेशन वन और इक्वेशन टू जो है इक्वेशन टू आपका कहाँ पे इक्वेशन टू जो है कि आपका यहाँ पर ये वाला है ये वाला यानी जो है कि वो भी आपका क्या था डेल वाई और जो है कि डेल वाई अपॉन वाई नहीं लिया वहां पर है ना। तो यानी जो है कि आपका केवल डेल वाई इक्वल टू क्या है आई ठीक इस तरह से ये इक्वेशन आपका वन हो गया है। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो आपका क्या हो जाएगा डेल वाई इक्वल टू मार्जिन इक्वल टू सेव और इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट तो ये टू हो गया है। इसको जब आप इक्वल टू करोगे तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। इससे आप क्या निकाल सकते हो ये ना आप निकाल सकते हो इस तरह है ना, इससे आप जो है कि
ये आप इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज आपकी निकल जाएगी। तो यानी जो है एक तो इक्वेशन ये बना मान लो कि ये तीसरा मान लो बन गया, ये तीसरा बन गया इक्वेशन। और मैंने जो आपको प्रोपाउंड करा था उस टाइम पे किससे, केवल और केवल इसी से मैंने प्रोपाउंड कर दिया था। मैंने कहा था कि डेल वाई अपॉन वाई इक्वल टू जो यहाँ पर मैंने एस वाई लिखा हुआ था, और नीचे यहाँ भी वाई आ जाएगा, और यहाँ पर जो है कि जो आपका आउटपुट कैपिटल रेशियो है, तो मैंने कहा था वाई वाई कट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ग्रोथ यानी जो है कि यहाँ पर जो डेल वाई अपॉन वाई है ये आपका एस, यानी जो ये अगर चार इक्वेशन हो गया है तो यानी कंपेयरिंग थ्री और फोर को आप क्या देखोगे कि ये जो है कि चेंज इन कैपिटल इज इक्वल टू चेंज इन आउटपुट, ये बात बराबर हो गई। यानी जो है कि आप इसको लिख दोगे कि भाई जो चेंज इन आउटपुट है वो किसके बराबर है, चेंज इन आउटपुट है वो किसके बराबर है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बराबर है, जो कि है एस, यानी जो सेविंग आपका जो आपका कैपिटल रेशियो मल्टीप्लाइड जो आपका यहाँ पर प्रोपेंसिटी टू सेव है उससे जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तब जो है कि आपका ये, यानी जो है कि आपका फॉर मेंटेनिंग स्टेडी ग्रोथ रेट जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है वो बराबर होना चाहिए किसके, जो उस टाइम पे आउटपुट कैपिटल रेशियो है, जो आउटपुट कैपिटल रेशियो है उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे प्रोपेंसिटी टू सेव से, प्रोपेंसिटी टू सेव से उसकी मल्टीप्लाई है, तो ये जो है इसी तरह से आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है और इसी तरह से आउटपुट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो ये जो है कि यहाँ पर डोमर ने बताने की कोशिश करी हुई है ना, इतनी सी बात थी यहाँ पर। अब हम आगे देखते हैं कि भाई हैरेड मॉडल क्या है ना, ये हमने डोमर मॉडल पढ़ लिया है, हैरेड मॉडल जो है क्या है ये हम आगे देखेंगे। हैरेड गोड मॉडल ट्रिब्यूट डायनेमिक वन सिक्स टू एक्सप्लेन सेकुलर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर जो है सेकुलर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करिए। इन्फ्लेशन एंड फैक्टर्स टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम एंड एक्चुअल रेट ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन इसकी बात करिए। इन्होंने जो है कि तीन बेसिक एलिमेंट दिए, पॉपुलेशन ग्रोथ, आउटपुट पर हेड एज डिटरमाइंड बाय लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एक्युमुलेशन। तो इन्होंने इन चीज़ों की इसमें बात करी है, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर दो अजम्पशन ली गई है, सेविंग इन एनी पीरियड ऑफ टाइम इज कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। तो ये तो भाई जरूरी है, और ये जो कि यहाँ पे डोमर ने, ये हैरेड ने लिया, और डोमर के केस में भी जो है कि भाई क्या होगी सेविंग कांस्टेंट होगी, वहां पर जो है कि एस वाई करके यहाँ पर इस तरह से निकला हुआ है, तो सेविंग कांस्टेंट होगी तभी तो आप पता पाओगे कि भाई कितना हम सेविंग प्रोपोर्शनल टू सेव यहाँ पर वैल्यू लिए। तो ये चीज तो यहाँ पर जो है कि और एस इक्वल टू एस वाई जो कि मैंने आपको पहले बता रखा था, इस तरह से वही चीज लिखी है, यानी जो सेविंग है, यानी अगर आप 700 रुपए सेव कर रहे हो तो आप यानी जो है कि 1000 रुपए कमा रहे हो, तो यानी आपकी सेविंग जो है स्मॉल एस की वैल्यू क्या है 0.7 है, तो ये एस और वाई इक्वल टू एस ये चीज लिखी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि यहाँ पर चेंज इन कैपिटल जो है वो क्या है, यहाँ पर चेंज इन कैपिटल यानी जो है कि yt-yt-1, यानी ये है कि जो आपकी इनकम जो है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम जो है कि 2023 में है मान लो 10,000, और लेकिन जो है कि यहाँ पर 2022 में आपकी ये इनकम थी 8,000, तो यानी जो है आपने 2000 का प्रॉफिट करा है ना इसमें, इस साल पिछले साल से इस साल आपने 2000 का प्रॉफिट कर लिया है। अब इस प्रॉफिट में से जो आपकी प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट है, प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट क्या है, यानी 2000 में से आप कितना यानी कितने परसेंट आप इन्वेस्ट कर देते हो, मान लीजिए यह है आपका 0.8, तो यानी जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपका हुआ है जो आप करोगे है ना वो कितना होगा, यानी 2000 यानी 0.8 × 2000 यानी जो है 1600 रुपए क्या करोगे आप इन्वेस्टमेंट करोगे, 1600 रुपए आप क्या करोगे इन्वेस्टमेंट करोगे। तो यही चीज देखिए कि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट होता क्या है, सिंस सेविंग मस्ट बी इक्वल टू द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सेविंग जो है कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि भाई बैलेंस ग्रोथ के लिए क्या सेविंग मस्ट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर इक्वेशन वन ये था और इक्वेशन टू यानी सेविंग का ये क्वेश्चन था, इन्वेस्टमेंट का ये था, इनको दोनों को बराबर कर दिया है। इनको दोनों को बराबर करने के बाद हमारी वैल्यू क्या निकल गई है, g बराबर s अपॉन न्यू, या आप g बराबर स्मॉल s ले लो अपॉन न्यू, ये आपका न्यू क्या हो गया है यहाँ पर, ये आपका हो गया है ये वाला कैपिटल
आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये कैसे हो जाएगा देखिए, ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर तो आप इतना तो आप देख सकते हो, यहाँ पर यानी जो है एस इक्वल टू एस वाई है, ठीक है ना। और जो है कि यहाँ पर ये इक्वेशन वन है, और इक्वेशन टू क्या है, इन्वेस्टमेंट जो है वो न्यू, न्यू क्या है आपका प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट है ना। और जो यहाँ पर जो है कि वाई टी माइनस वाई टी माइनस वन, ये आपका दो है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यानी इक्वेटिंग वन एंड टू, क्यों इक्वेट करेंगे, एज सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी ये इसके बराबर, तो यानी ये इसके बराबर होगा इधर वाली साइड जो राइट हैंड साइड, यानी एस वाई इक्वल टू न्यू, और जो है कि यहाँ पर वाई टी माइनस वाई टी माइनस वन। अब भाई ये एक्चुअल में है क्या, वाई टी माइनस वन क्या, ये एक्चुअल में क्या है, ये है आपका डेल वाई है ना, डेल वाई है। तो यानी अगर ये वाई इधर ले जाते हुए और ये न्यू इधर ले जाते हुए, यानी ये क्या हो जाएगा, एस अपॉन न्यू बराबर डेल वाई अपॉन वाई, ये क्वेश्चन। अब न्यू क्या, ये क्या है आपका प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, यानी 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 कितना आपका आउटपुट, यानी जो है कि कितना आपके आउटपुट में बढ़ोतरी हुई है, कितने आपके आउटपुट में बढ़ोतरी, यानी 10,000 से 2,000 बढ़ गया था, कितने आपके आउटपुट में बढ़ोतरी हुई, यानी भाई 2,000 मेरा बढ़ गया था आउटपुट, और मैंने उसमें से कितना मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, है ना। यानी यही तो होता है आपका प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट यही तो होता है भाई। प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू सेव आपका होता है कि चेंज इन सेविंग, यानी जो कितना आप सेव कर रहे हो फ्रॉम चेंज इन इनकम, यही होता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट, तो आपका ये क्या हो गया है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे आई एक्चुअल में क्या है, के है और वाई, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका क्या हो गया, कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये आपका क्या हो, कैपिटल आउटपुट रेशियो हो गया। तो भाई ये क्या एक्चुअल में है, ये आपका कैपिटल, ये क्या है ग्रोथ, इसको आप रीराइट कर सकते हो, इसको आप ग्रोथ लिख सकते हो, जी बराबर एस अपॉन न्यू, जहां पर ये क्या है आपका न्यू कैपिटल आउटपुट रेशियो, और उसमें क्या था वो आउटपुट कैपिटल रेशियो डोमर वाले मॉडल। तो इतनी सी बात है भाई, इतनी सी बात है, आपका ये डोमर मॉडल भी हो गया है, ठीक है ना। हाँ, अब जो कि ये हैरल्ड मॉडल भी इसमें हो गया, लेकिन अब जो कि हैरल्ड ने क्या क्या कंडीशन दी है, हैरल्ड ने कहा था वो एक्चुअल ग्रोथ आपकी होती है ना, एक्चुअल ग्रोथ रेट आपका जी बराबर एस अपॉन सी, जहाँ पर जो है कि आपका जी ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट है, एस क्या है सेविंग है, सी क्या है आपका कैपिटल है ना, यानी जो है कि एस अपॉन सी जी बराबर, ये आपकी क्या है एक्चुअल, एक्चुअल ग्रोथ रेट वो होती है जो एक्चुअल में हो रही है, जो एक्चुअल में हो रही है ना, जैसे कि जो बाकी में जो सामने है एक्चुअल में हो रही है ना। वारंटेड ग्रोथ रेट क्या है, यहाँ पर जो है कि व्यक्ति सेटिस्फाइड है, ऐसी ग्रोथ रेट जो एक्चुअल में हो, एक्चुअल में होगी तो हो सकता है व्यक्ति सेटिस्फाइड हो या ना हो, है ना, लेकिन वारंटेड ग्रोथ रेट वो ग्रोथ रेट है जिससे जो है कि जो प्रोड्यूसर है वो सेटिस्फाइड है, बहुत ज्यादा वो खुश है, वो मजे में है, वो कह रहा बहुत बढ़िया सब कुछ जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है ना, सब कुछ यानी जो मतलब वर्क आउट जितना प्रॉफिट चाहिए वो हो रहा है, जो भी चीजें हैं है ना, इस तरह से ये चीजें हैं। तो वारंटेड ग्रोथ रेट आपका फुल कैपेसिटी और पोटेंशियल ग्रोथ रेट विच टेस्ट द अस द एंटरप्रेन्योरियल इक्विलिब्रियम, यानी जो है आपका यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, बात वही है, यहाँ पर भी अगर जी बराबर जो है कि एस अपॉन सी आ जाएगा, और सी आर का मतलब है जो रिक्वायर्ड कैपिटल है टू मेंटेन वारंटेड ग्रोथ रेट, है ना, यहाँ पर रिक्वायर्ड कैपिटल टू मेंटेन वारंटेड ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है, यानी जो नेचर के अगर सारे अगर रिसोर्सेज आप जो है कि अलोकेट और जो है कि आप लगा दो एम्प्लॉयड कर दो, तो जो मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा वो होता है नेचुरल ग्रोथ रेट, है ना, इट इज द मैक्सिमम ग्रोथ रेट और फुल एम्प्लॉयमेंट दैट कैन बी अचीव्ड, तो ये नेचुरल। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई जो है जी वारंटेड ग्रोथ रेट अगर जो है कि आपका जी एन के बराबर है, और वारंटेड ग्रोथ रेट अगर आपका जो है कि जी एक्चुअल के बराबर है, तब जो है कि ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपकी वो कंडीशन होगी जहाँ पर आप जो है एक तरह से जो नाइफ एज इक्विलिब्रियम आपका हो जाएगा, यहाँ पर नाइफ एज इक्विलिब्रियम, नाइफ एज इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि भाई आप जो है ऐसा इक्विलिब्रियम जो चाकू की धार पे है ना, जो जो है कि चाकू की धार पे जो है कि आप यहाँ पे ऐसे चल रहे हो,
नाच के उधर जा सकते हो, नाच के इधर जा सकते हो। उधर जाओगे तो आपका इनकम बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा, पूरा इन्फ्लेशन हो जाएगा, और इधर आओगे तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो ये चीजें, तो यानी जो है कि इस तरह का मेंटेन करके चलिएगा, तो ये आपका नाइफ एज इक्विलिब्रियम है। नाइफ एज इक्विलिब्रियम जो है कि आपका जी बराबर जे डब्ल्यू इक्वल टू जी एम देयर कैन बी। अब जो है कि यहाँ पर कंडीशन है आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, तो मैंने ये भी इंक्लूड कर रखा है यहाँ पर, जी इज लेस देन, अगर वांटेड ग्रोथ रेट से कोई भी चीज अगर कम है, कोई सा भी कम है, मान लो कि भले चाहे वो एक्चुअल, ये जी केवल लिखा तो ये एक्चुअल ग्रोथ रेट है ना, चाहे वो एक्चुअल कम हो है ना, और चाहे जो है कि जी से जो है कि आपका यहाँ पर नेचुरल कम हो, नेचुरल कम हो है ना, नेचुरल यहाँ पर जो है कि इस तरह से अगर मैंने लिख रखा होगा, अगर ज्यादा है तो यानी देखिए यहाँ पर इन्फ्लेशन है, अगर कम है तो वो डिप्रेशन आएगा। वारंटेड ग्रोथ रेट को आप मिडिल मिडिल में लेके चलिए, यानी जो है वारंटेड ग्रोथ रेट अगर से अगर मान लो कि एक्चुअल कम है ना, तो क्या होगा आपका डिप्रेशन होगा, और वारंटेड अगर ज्यादा है और बाकी वारंटेड ज्यादा है तो आप समझिएगा डिप्रेशन होगा, कुल मिला के डिप्रेशन आएगा। वारंटेड देखिए यहाँ पर भी ज्यादा है, यहाँ पर भी डिप्रेशन है, यहाँ पर वारंटेड कम है तो यहाँ पर इन्फ्लेशन है, जहाँ पर वारंटेड कम है वहां पर इन्फ्लेशन, वहां जहाँ उल्टा है वारंटेड से उल्टा समझिएगा, वारंटेड ज्यादा है तो आपका क्या होगा वहां पर डिप्रेशन होगा, वारंटेड कम है तो आपका वहां पर इन्फ्लेशन होगा। वारंटेड देखिए यहाँ पर ज्यादा है, कम है तो यहाँ पर इन्फ्लेशन होगा, इस तरह से ठीक है ना। और वही फिर इसका जो कि आपका जो कैपिटल है उसका फिर तो 22%, कैपिटल अगर ज्यादा है तो इन्फ्लेशन होगा, कैपिटल अगर कम है तो डिप्रेशन होगा, लेकिन ग्रोथ जो है कि वो आपका उल्टा है उसमें से, ठीक है ना, ये चीज है। क्योंकि भाई जी बराबर जो क्या बताया इन्होंने, ऐसे पॉन सी है तो सी और जी का उल्टा रिलेशन है यहाँ पर, अगर सी ज्यादा है तो यानी ये कम होगा है ना, ये चीज है, सी आर ज्यादा है तो यानी जो है कि ये कम होगा, और ये कम होगा तो यानी जो है कि ये डिप्रेशन की बात होती, तो इतना आप ऐसे रिलेटिव से कर सकते हो। ये जो है कि डायग्रामेटिकली है कि भाई देखो स्टडी ग्रोथ रेट की इस तरह से, ये आपका इन्वेस्टमेंट 1-2 इस तरह से इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, और इस तरह से इनकम आपकी बढ़ती रहेगी, और ये सीधा आपकी जो कि स्टडी ग्रोथ रेट आपकी हो रही है इस तरह से, और ये आपकी क्या है सेविंग यहाँ पर, ठीक ना, तो इस तरह से जो है कि, और आपकी ये इधर क्या है ये नेशनल इनकम, ऐसे ऐसे आपकी नेशनल इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सेविंग, तो ये आपका ये हैरी डोमन मॉडल का ये आपका इक्विलिब्रियम ग्रोथ पॉइंट। तो आशा करता हूँ हैरी डोमन मॉडल आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और जो है कि मेरे हिसाब से कोई भी आपका कंफ्यूजन बचा नहीं हुआ हैरी डोमन मॉडल में, मैंने जितना का जितना हैरी डोमन कंप्लीट हैरी डोमन मॉडल यहाँ पर मैंने लिया है समझाने की उसकी कोशिश करी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, कल आपका एग्जाम है यूजीसी नेट का, तो भाई बिल्कुल मेहनत करते रहिएगा, लगे रहिएगा, वी विल बी मीटिंग यू सून, थैंक यू सो मच।